हेलो फ्रेंड्स, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग स्प्लिट एसी को पंप डाउन करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये हमारी आउटडोर यूनिट है और यहाँ इससे ये पाइप कनेक्ट है हमारे इंडोर यूनिट में और इन दोनों के बीच गैस फिल है, यानी ये कंप्लीट सिस्टम है। तो चूंकि इस आउटडोर और इंडोर यूनिट के बीच में जो पाइप है और इसमें गैस फिल है, तो इस सिस्टम को जब कभी हमें रिमूव करना होता है, यानी अगर हमें सर्विसिंग की जरूरत हो जिसमें आउटडोर यूनिट को इंडोर यूनिट से अलग करना हो किसी भी वजह से, चाहे इंडोर यूनिट को हमें निकालना हो या आउटडोर यूनिट को निकालना हो, तो जो गैस होती है सिस्टम में वो आउटडोर यूनिट में कलेक्ट कर ली जाती है और इसी को कहते हैं पंप डाउन। तो सबसे पहले जो तरीका होता है उसमें यह होता है कि जो टेक्नीशियन होता है उसके साथ एक असिस्टेंट होता है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक असिस्टेंट है और इस स्प्लिट एसी को अभी हम ऑन करते हैं और फिर किस तरह से सिस्टमेटिक हम इसको पंप डाउन करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये हमने स्प्लिट एसी को ऑन कर लिया, ये आउटडोर यूनिट भी इस वक्त रन कर रहा है। जब कभी हमें स्प्लिट एसी को पंप डाउन करना होता है और मेरे साथ एक असिस्टेंट होता है, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, ये दोनों हमारा जो डेड कैप है इस कैप को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लूज था इसलिए आसानी से निकल गया। और हमारे पास एक एलएम की होनी चाहिए जिसे हम यहां पर इसके साइज के हिसाब से सेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग साइज की एलएम की आती है। तो यहां इसकी ये चार नंबर की एलएम की है जो यहां फिट बैठ रही है। इसका तरीका ये है कि ये हमारी ये जो लिक्विड लाइन है यहां से गैस इंडोर यूनिट में जा रही है और वापस इस सक्शन लाइन से अंदर की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले आउटडोर यूनिट से जाने वाली गैस को हमें रोकना होता है। इसके लिए हम इस लिक्विड लाइन में लगे हुए वाल्व को बंद करते हैं और बंद करने के बाद हम 1.5 मिनट देखते हैं लगभग, यानी 1.5 मिनट जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम इस रास्ते को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि 1.5 मिनट वो टाइम होता है कि जबकि यहां से जाने वाली गैस चूंकि रुक चुकी होती है और ये अंदर का कंप्रेसर इंडोर यूनिट से सारी की सारी गैस अपने अंदर कलेक्ट कर चुका होता है, तो 1.5 मिनट जैसे ही बीतेगा हम इसको बंद कर लेंगे। और इस दौरान मेरा जो असिस्टेंट होगा वो इसके स्विच को ऑफ कर देगा, यानी अंदर से स्विच ऑफ कर देगा। तो हम सबसे पहले इस लिक्विड लाइन के वाल्व को बंद करते हैं और जब ये बंद हो जाए अच्छी तरह से तो हम इसे चला देते हैं। हमने वीडियो को पॉज कर लिया था, यहां 1 मिनट 22 सेकंड हो गया है। ये 1.5 मिनट हो गया, अब हम इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करते ही अंदर से हम इसके सिस्टम को ऑफ करवा देंगे। ये बंद हो गया, ये हमारा सिस्टम ऑफ हो गया पूरी तरह से। ये भी बंद है, ये भी बंद है। हमने पहले इसको बंद कर रखा था, 1.5 मिनट के बीतते ही हमने इस वाले वाल को भी बंद कर लिया और इसके बाद हमने तुरंत इसके इंडोर यूनिट से इसकी मेन स्विच को ऑफ कर दिया, जिससे स्प्लिट एसी ऑफ हो गई और इस तरह से टोटल गैस इस हमारे आउटडोर यूनिट में कलेक्ट हो गई। ये हमारा पहला तरीका था जिसमें मेरे साथ एक असिस्टेंट भी थे। उम्मीद है ये पहला तरीका जो था वो आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे तरीके को सीखने के लिए हम इस गैस को वापस इंडोर यूनिट में भेजते हैं। इसके लिए दोनों वाल्व को हमें खोल देना होगा। इस वक्त मेरी ये एसी जिस तरह से पहले थी उस तरह से हो गई है और अब हम इसको अकेले, यानी जब मेरे साथ कोई असिस्टेंट ना हो, तो उस वक्त किस तरह से पंप डाउन करते हैं ये सीखेंगे। दूसरे तरीके के लिए चूंकि हमें अकेले ही सारा काम करना है, इसके लिए हमारे पास एक प्लायर और एक स्क्रू ड्राइवर जरूर होना चाहिए, जबकि हमें टाइम देखने के लिए एक स्टॉप वॉच भी होनी चाहिए जिसमें हम इस मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसको शुरू करने के लिए यहां हमारा जो ये सप्लाई का 2 वायर है, इनमें से किसी एक को हम लूज कर लेते हैं हल्का सा, जिससे जब हमें ऑफ करना हो तो हम इसे खींच लें और ये रास्ता, यानी ये सप्लाई ब्रेक हो जाए और ये एसी ऑफ हो जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसे लूज कर लेते हैं।
इतने पे ये चलेगा और जब हम इसे प्लास से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम अकेले इस एसी को किस तरह से पंप डाउन करेंगे ये हम सीखेंगे। ऑन कीजिए एसी। इस वक्त भी हमारी एसी रन कर रही है और हम इसको अकेले ही पंप डाउन करेंगे। इसके लिए हम स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जिस तरह से पहले हम लोगों ने लिक्विड लाइन के वाल को क्लोज किया था वैसे ही इसको भी हम क्लोज करेंगे। तो ये हम क्लोज कर लेते हैं जिससे गैस का इनडोर यूनिट में जाना रुक जाता है और अब हम स्टॉपवॉच को ऑन कर लेंगे और इस पोजीशन में भी हम 1.5 मिनट तक देखेंगे। वीडियो को हम लोगों ने पॉज कर लिया था क्योंकि ये स्टॉपवॉच चल रही थी। अब ये जैसे ही 1.5 मिनट होगा हम इसके इस वाले वाल को ऑफ कर देंगे यानी क्लोज कर देंगे। तो ये 1.5 मिनट हो गया, अब इसको फटाक से हम ऑफ कर देंगे और जैसे ही ये रास्ता क्लोज होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको लूज कर रखा था इसे खींच लेंगे बाहर। इस तरह से एसी की सप्लाई के किसी एक वायर को हम अलग कर लेते हैं जिससे ये हमारी एसी ऑफ हो जाती है और इस तरह से अकेले ही हम किसी सिस्टम को पंप डाउन कर लेते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।